दोस्तों, जब भी हम किसी फ़ोन की स्पेसिफिकेशन देखें या फिर किसी टेक डूअर की रिव्यू या अनबॉक्सिंग वाली वीडियो देखें या फिर आप मेरी खुद की वीडियो देखेंगे, तो वहां पर आप कुछ ऐसे वर्ड्स सुनते होंगे, कुछ फोन के ऐसे स्पेक्स के बारे में सुनते होंगे जिनके बारे में आपको शायद इतनी नॉलेज नहीं होगी या जिनके बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता होगा। जैसे कि 1V कलर, 68V कलर, PPI, डॉल्बी विजन, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, IP रेटिंग जैसी चीज जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी, लेकिन इनके बारे में पता होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपको इनके बारे में अच्छे से डिटेल में पता होगा तो किसी भी फोन को आप अच्छे से परख सकते हैं, उसकी एक्चुअल पावर को पहचान सकते हैं, इसमें क्या क्या माल मसाला भर रखा है। और हाँ, जो भी स्पेक्स के बारे में बताने वाला हूँ बहुत ज्यादा टेक में घुसकर नहीं बताऊंगा, बहुत ज्यादा आसान तरीके से बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से समझ पाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले में कौन कौन से ऐसे स्पेक्स होते हैं। आपने सुना होगा 1B कलर एंड 68B कलर, ये क्या होता है? देखिए, हेक्साडेसिमल कोड होते हैं कलर्स के, मतलब 1B कलर डिस्प्ले में आपको 1 बिलियन कलर्स मिलेंगे, 68B कलर डिस्प्ले में 68 बिलियन कलर्स मिलेंगे। मतलब जिस डिस्प्ले में जितने ज्यादा कलर्स होंगे उतना ही ज्यादा वीडियो का एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा होगा, वीडियो क्वालिटी आपको ज्यादा अच्छी दिखेगी, कलर्स उभर के बाहर आएंगे, क्योंकि हर पिक्सल को एक कलर चूज करना होता है। तो अगर 1B कलर डिस्प्ले है तो एक पिक्सल के पास केवल 1 बिलियन ऑप्शन होंगे, 1 बिलियन कलर में से एक कलर चूज करना होगा। लेकिन अगर 68 बिलियन कलर वाली डिस्प्ले है तो उसमें 68 बिलियन ऑप्शन होंगे उस पिक्सल के पास। तो जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे उतने ही ज्यादा कलर आ सकते हैं आपकी डिस्प्ले में, और इसी वजह से वो वीडियो ज्यादा अच्छी दिखेगी। आप सोच रहे होंगे 1B एंड 68B में बेटर कौन सा है? हालांकि बेटर तो 68 वाला ही है क्योंकि उसमें कलर ज्यादा है, लेकिन उसका एक कौन सी है कि हमारी जो आई होती है वो डिस्टिंग्विश करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, स्ट्रगल करती है 68 बिलियन कलर वाली डिस्प्ले में। लेकिन आप फिर भी ओवरऑल अगर कहा जाए तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस अच्छा होता है, तो 68B कलर्स बेस्ट है। सेम इसी से मिलता जुलता होता है कि 8-bit और 10-bit 12-bit डिस्प्ले। 8-bit डिस्प्ले आपको केवल 16.7 मिलियन कलर्स दिखा सकता है, 10-bit डिस्प्ले आपको 1.07 बिलियन कलर्स दिखा सकता है, एंड 12-bit डिस्प्ले आपको 68.7 बिलियन कलर्स दिखा सकता है। तो मिलता जुलता कनेक्शन है, मतलब 68 बिलियन कलर्स है तो वो 12-bit ही होगी, एंड 1 बिलियन कलर्स वाली डिस्प्ले है तो वो 10-bit होगी, और 8-bit वाली है तो कुछ मिलियंस में होगी। इसके बाद आप सुनते होंगे कि PPI रेशियो इसका ज्यादा इसका काम है। तो PPI क्या होता है? PPI का मतलब होता है पिक्सल पर इंच, यानी कि एक इंच में कितने ज्यादा पिक्सल्स हैं। ये किसी भी डिस्प्ले की शार्पनेस और क्लियरिटी को पहचान करवाता है। जितना ज्यादा PPI होगा उतनी ही ज्यादा हाई रिजोल्यूशन स्क्रीन होगी, यानी कि डिस्प्ले होगी। इसके बाद आप बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे डॉल्बी विजन डिस्प्ले, डॉल्बी विजन डिस्प्ले तो ये क्या है? तो देखिए, एक एडवांस HDR टेक्नोलॉजी है जो कि किसी भी कलर्स को एनहेंस एंड कॉन्ट्रास्ट करती है, बस और कुछ नहीं। इसके बाद बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ज्यादा सुनते होंगे आप, ब्राइटनेस निट्स। ये क्या होती है कि 1300 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, 1200, 900 बिट्स की, ये सब क्या होता है? देखिए, ब्राइटनेस निट्स तीन तरीके की होती है, पीक, SBM एंड टाइप TYP। पीक ब्राइटनेस किसी भी डिस्प्ले का हाईएस्ट लेवल होता है, यानी कि जितनी ज्यादा पीक ब्राइटनेस होगी उतनी ज्यादा बेटर वो डिस्प्ले ब्राइट होगी धूप में जब आप जाएंगे तब। HBM का मतलब होता है हाई ब्राइटनेस मोड, ये एक टेम्पररी ब्राइटनेस को बढ़ा देता है और कुछ नहीं। और TYP होता है एक एवरेज लेवल, ब्राइटनेस का एक एवरेज लेवल TYP होता है जो कि नॉर्मली यूज होती है। तो जितनी ज्यादा पीक ब्राइटनेस होगी उतना ही ज्यादा वो धूप में ज्यादा ब्राइट होगी वो डिस्प्ले। इसके बाद आप सुनते होंगे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इतना, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो क्या है? तो ये क्या होता है? स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का मतलब होता है कि जो फोन की स्क्रीन है और जो फोन का फ्रेम है उसके बीच में क्या कंपेरिजन है, कितना मतलब रेशियो है। जितना ज्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा उतना ही ज्यादा फोन के फ्रेम में और स्क्रीन में स्पेस होगा, जितना कम होगा उतना ही स्क्रीन और फोन के फ्रेम में कम स्पेस होगा। इसके बाद आप सुनते होंगे IP53 की रेटिंग है, IP68 की रेटिंग है, तो ये सब क्या होता है? IP की फुल फॉर्म होती है इंग्रेस प्रोटेक्शन। ये क्या है कि एक स्टैंडर्ड है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की डस्ट प्रूफ एवं वाटर प्रूफ कैपेबिलिटीज को दर्शाता है। हर IP रेटिंग में दो नंबर होते हैं, जैसे कि IP53, IP68। पहला नंबर आपका डस्ट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, एंड दूसरा जो नंबर है वाटर रेजिस्टेंट को प्रूफ करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो IP रेटिंग का हाईएस्ट लेवल है IP68, इसमें जो 6 नंबर है वो हाई डस्ट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड जो 8 नंबर है वो हाई वाटर रेजिस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाई लेवल जो है वो IP68 है। इस रेटिंग के साथ अगर कोई फोन आता है तो वो पानी में डूब जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ऐसा मत करना कि एक दो घंटे के लिए वो पड़ा ही रहने मतलब कुछ टाइम के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसके अलावा भी आप बहुत सारे शब्द सुनते होंगे, LCD, AMOLED, POLED, ये सब क्या है? इनके बारे में आप शायद पता होगा आपको। कर्व डिस्प्ले, फ्लैट डिस्प्ले भी नाम की कुछ चीज होती है, तो उनके बारे में अगर जानना चाहते तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आगे बात करते हैं हम कैमरा स्पेक्स के। कैमरे में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बोली जाती हैं, जिनको जानना भी आपको ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी फोन के कैमरे को अगर आप मीजर करना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं कि इसमें कैसा क्वालिटी रहेगा कैमरा का, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आपने सुना होगा f1.8, 1.9, यानी कि अपर्चर। तो ये अपर्चर क्या होता है? अपर्चर का मतलब होता है जो हमारा कैमरा होता है वो लाइट कितनी कैप्चर कर रहा है। जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ही ज्यादा वो लाइट कैप्चर कर पाएगा और इमेज क्वालिटी ज्यादा शार्प होगी, ज्यादा अच्छी दिखेगी। उसके बाद आप OIS एंड EIS के बारे में सुनते होंगे, तो ये सब क्या है? देखिए, ये दोनों ही इमेज एंड वीडियो स्टेबलाइजेशन टेक्निक है। OIS में क्या होता है कि जो आपका फोन का कैमरा होता है वो खुद मैनुअली हिलकर डुलकर इधर उधर कर वो मतलब इमेज को
और वीडियो को स्टेबलाइज करता है। लेकिन EIS में क्या होता है कि जो आपका फोन में जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू स्टेबलाइज करता है। मतलब एक तरीके से मैं कहूँ कि OIS में जो होता है वो मैनुअली फिजिकली होता है लेंस के द्वारा और उसमें सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है, लेकिन होता दोनों ही स्टेबलाइजर के लिए ही है। OIS वाला ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है क्योंकि वो फिजिकली करता है और वो सॉफ्टवेयर के थ्रू करता है, तो थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, OIS ज्यादा बेटर है। उसके बाद आप सुनते होंगे AF एंड PDF, ये क्या है? AF का मतलब होता है ऑटो फोकस और PDF का मतलब होता है फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस। दोनों ही ऑटो फोकस की टेक्निक है। मतलब जब आप किसी भी इमेज को या वीडियो को कैप्चर करते हैं तो जो सब्जेक्ट आपको वो कितना ऑटो फोकस कर पाता है। AF केवल कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट करता है और PDF में फेस डिटेक्शन होता है, यानी कि अगर आपकी कोई सब्जेक्ट ऐसी है जो बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग कर रही है, दौड़ रही है, जैसे कार का या फिर किसी दौड़ते हुए इंसान का आपको फोटो या वीडियो लेना है, तो वो ज्यादा अच्छे से कैप्चर कर लेता है PDF वाला कैमरा। उसके बाद आप सुनते होंगे पिक्सल साइज, तो पिक्सल साइज सेंसर जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ही बढ़िया आप लो लाइट में परफॉर्मेंस देख सकते हैं कैमरे का, एंड जो इमेज और वीडियो जब आप कैप्चर करेंगे उसमें ज्यादा डिटेल्स होंगे। तो किसी भी फोन को बाय करते टाइम ये सारी चीजें जरूर अच्छे से चेक कर लें। उसके बाद स्टोरेज में आप दो तीन चीजें सुनते होंगे, UFS 2.2, UFS 3.1, EMMC, ये सब क्या है? देखिए UFS का मतलब होता है यूनिवर्सल फ्लैश ड्राइव एंड EMMC का मतलब होता है एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड। UFS जो है वो ज्यादा फास्ट डेटा ट्रांसफर करता है, रीड एंड राइट स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है, एंड EMMC का जो है वो रीड एंड राइट स्पीड थोड़ी कम होती है, डेटा ट्रांसफर थोड़ा स्लो होता है, तो UFS ज्यादा बेटर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे ज्यादा आजकल आप सुन रहे होंगे जब भी आप गेमिंग परफॉर्मेंस टेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी प्रोसेसर को टेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी फोन की ओवरऑल पावर को पता कर रहे हैं, तो इन स्कोर के बारे में आप ज्यादा सुनते होंगे, एंटीटू स्कोर, GFX बेंचमार्क स्कोर, गीक बेंचमार्क स्कोर। ये स्कोर दिखाते हैं कि आपके फोन कितना लोड झेल सकता है, मतलब कितनी ज्यादा पावर है उसमें, मतलब आप क्या क्या चला सकते हैं एक साथ में, मतलब ये स्कोर एक यूनिट कह सकते हैं इसके तरीके से, ये बताता है कि आपका फोन जो है वो कितना लोड झेल सकता है। इन स्कोर के थ्रू ही आप किसी दूसरे प्रोसेसर के एक प्रोसेसर में कंपैरिजन कर सकते हैं। बाकी इसमें अलग अलग है, एक GPU के लिए, CPU के लिए, प्रोसेसर के लिए, चिप के लिए, वो अलग अलग है इसमें। बाकी सभी बताते यही है कि आपके फोन की पावर क्या है प्रोसेसर में, एक कंपैरिजन करने के लिए ओवरऑल स्कोर है। ये ऐप जब भी आपके फोन में रन कराए जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा लोड प्रोसेसर पर डाल देते हैं एक साथ और उसके अकॉर्डिंग ये स्कोर निकाल कर देते हैं। इसके बाद आप बैटरी में आप सुनते होंगे एड्यूरेंस रेटिंग, ये क्या है? एड्यूरेंस रेटिंग होती है बैटरी लाइफ को दिखाता है कि आपकी जो बैटरी लाइफ है वो कैसी है, कितनी है, इसके बेस पर आप दूसरी बैटरी लाइफ से मतलब कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं फोन के स्पेक्स के बारे में जो आजकल आप सुनते होंगे, जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। अगर आपको पता था और किसके बारे में आपको नहीं पता था जो इस वीडियो से आपको पता लगा हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और अगर इसके अलावा भी आप कुछ जानना चाह रहे हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है और आपने सुना है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उस पर जल्दी से वीडियो लाऊंगा या फिर कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई दूंगा। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।